हेलो दोस्तों, रमा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं हलवाई स्टाइल सिंपल सी मटर आलू की सब्जी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। इसके लिए मैंने आलू मटर ले लिया है। 250 ग्राम मटर है और 250 ग्राम आलू है। आप आलू जिस भी आकार में काटना चाहती हैं तो काट सकती हैं। और ये मैंने एक कटोरी प्याज और हरी मिर्च चॉपर से मैंने चॉप कर लिया है। और ये गरम मसाला, ये किचन किंग मसाला, नमक एक चम्मच, आधा चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच, इस चम्मच से मैंने मेजरमेंट किया है, 1 से 1.5 चम्मच मैंने ये धनिया लिया है, एक कस्तूरी मेथी 1 चम्मच, और ये 1 चम्मच इसी चम्मच से ये हल्दी, और ये टमाटर प्यूरी, 1 गिलास, आधा गिलास मैंने पानी लिया है, 2 चम्मच मैंने तेल डाला है, रिफाइंड डाला है मैंने, और ये जीरा, 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, जब ये क्रम्बल हो जाए तब आप इसमें ये प्याज और हरी मिर्च डाल दीजिए और इसको 2 से 3 मिनट लगेगा भुनने में। और जब ये घिस के डालते हैं तो जल्दी भुन जाता है प्याज, और पेस्ट डालने पे काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं इसी तरह बनाना पसंद करती हूँ। आप भी इसी तरह से बनाइए, बहुत ही जल्दी सब्ज़ी कुक हो जाएगी। ये देखिए इसको भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। आप चाहें तो आलू मटर को तेल में हल्का सा सेलो फ्राई भी करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो ये मसाले लिए हैं इन मसालों के साथ बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट आता है, तो मैं इसे फ्राई नहीं करूँगी, कम ही तेल में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। ये देखिए ये भुन चुका है। अब आप इसमें हल्दी, चाट मसाला, किचन किंग मसाला, नमक, पिसा धनिया और ये 1 टमाटर, ये मैंने 1 टमाटर की प्यूरी डाली। अब आप इससे भी 3 मिनट ही इसको भी लगेगा भूनने में, 3 मिनट आप इसको भूनें। देखिए अभी से ही इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। मैं लाल मिर्च थोड़ा कम इस्तेमाल करती हूँ, सेहत के लिए अच्छा होता है हरी मिर्च, तो मैं हरी मिर्च ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि सब्ज़ी में हरी मिर्च ही डालें। अब आप इसमें आलू और मटर ये दोनों डालें और इसे भी इसी के साथ साथ इसे भी आप इसको भून लीजिए। 2 मिनट मसाला भूनिएगा और फिर टमाटर के साथ ही इसी आलू मटर को भून दे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। हलवाई भी इसी तरह से बनाते हैं। आप इसको मीडियम फ्लेम पे ही इसको भूनिएगा, मीडियम फ्लेम पे ही। ये देखिए अब ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, इसे 5 मिनट फुल भूनना है। देखिए कितना अच्छा भून गया है। अब आप इसमें आधा गिलास पानी डाल दीजिए, आपको जितना गाढ़ा या पतला रखना हो उस हिसाब से। तो मैंने इसमें आधा गिलास पानी रखा है कि मटर और आलू पूरा इसमें भीग गया, बस उतना ही। और ये लास्ट में अब आप ये गरम मसाला डाल दीजिए और ये कस्तूरी मेथी। अब इसे प्रेशर कुकर लगा दें। और मीडियम फ्लेम पे इसको सीटी लगा दीजिएगा। ये देखिए सीटी आ चुकी है, 1 सीटी आ चुकी है, ये देखिए 2री सीटी भी आ चुकी। अब
बंद कर दीजिए, दो सीटी में बंद। अब मैं आपको ये खोल कर दिखाती हूँ, ये देखिए है ना कितनी टेम्पकिन, ये देखिए। अब मैं आपको इसे डिसआउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए गर्मा गर्म आलू मटर की सब्ज़ी तैयार है, तो बनाइए और इन्जॉय कीजिए।